अलीगढ़ से चुनाव लड़कर किसे फायदा पहुंचाएंगे ओवैसी? क्या अलीगढ़ से ओवैसी के लड़ने से बढ़ेगी एसपी बीएसपी की मुश्किलें? आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी को घेरने के लिए एसपी बीएसपी पहले ही हाथ मिला चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के उतारे जाने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और अब इस दिलचस्प मुकाबले में तड़का लगाने के लिए हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी का रुख कर सकते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अलीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। एआईएमआईएम के यूथ विंग के प्रदेश महासचिव सैयद नाजीम अली की माने तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने ओवैसी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की जानकारी दी है, साथ ही चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उधर ओवैसी के अलीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद वेस्ट यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सियासी जानकारों की माने तो अगर ओवैसी अलीगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को ध्रुवीकरण का कामयाब हथियार मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ओवैसी के यहाँ से लड़ने पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका नुकसान एसपी बीएसपी गठबंधन को हो सकता है। इस अंदेशे से बीएसपी भी पूरी तरह से सहमत है। बीएसपी के एक नेता ने बताया कि ओवैसी एक कट्टर नेता है, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे सेकुलर पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। जानकारों की माने तो ये स्थिति किसी भी तरह एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए सही नहीं होगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ओवैसी और उनकी पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उनके चुनाव लड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर अलीगढ़ सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र वाली इस सीट पर हिंदुओं की आबादी 89% और 19% जनसंख्या मुस्लिमों की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के सतीश गौतम ने जीत हासिल की थी। उस चुनाव में बीएसपी दूसरे, एसपी तीसरे, कांग्रेस चौथे और आम आदमी पार्टी 5वें नंबर पर रही थी। एसपी बीएसपी गठबंधन में ये सीट बीएसपी के खाते में है। यहाँ से अजीत बालियान को मायावती ने लोकसभा का प्रभारी बनाया है। माना जाता है कि बीएसपी के प्रभारी ही उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीएसपी का खेल बिगड़ सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।